दूसरी वृत्ति सादर समर्पित है। बच्चे है त्रुटियां होगी, बालक समझकर क्षमा करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ में सबसे पहले चंद्र शब्दों में भगवान श्री लंबोधर महाराज की वंदना, इसके पश्चात माता रानी की शान में एक भजन, मानव जीवन के लिए भजन, हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज की वंदना, और इसके पश्चात मनपसंद भजन। क्या कहना है? गजवदन कृपाई सिंधु भगवान सकवान दीजिए ज्ञान बुद्धि वाला नंदन गौरी तने प्रथम पूजी गणराज सकल अमंगल को हरो पूरन हो हरि भगवान श्री लंबोधर महाराज से कहना देवा, हर कोई शुभ कार्य में आपको 33 करोड़ देवी देवताओं में सम्मान मिला है, तो आइए आज माता रानी के दरबार में गौरी पुत्र गणेश के चरणों में श्रद्धा सुमन फूल समर्पित करते हैं। क्या कहना है? दयालु से कहना है क्या? वो गौरी के लाल तुम्हें ये महफिल
दिन पहले मनाऊं, वो गौरी के लाल तुम्हें ये महफिल में पहले महफिल में पहले की देवा आज ग्राम धाड़गांव में बड़ा ही भव्य आयोजन भक्तों का मेला लगा है और आप ऐसे एक महान राजा हो। सबसे पहले हर कोई कार्य में पूरे मध्य प्रदेश में पूरे भारत में भगवान लंबोधर को पहले बनाया जाता है। आइए भैया इनके चरणों में पुष्पमाला भजन के साथ भगवान लंबोधर को मनाते क्या कहना है। आइए भैया माता रानी अंबे रानी जोता वाली शेर वाली इनकी महिमा सभी ऐसा दरबार विख्यात दरबार है तो देखिए आज धाड़गांव वाली माता रानी से कहना है क्या। ममता मोरी मैं हूँ अज्ञान, पूजा भजन जानू नहीं माँ धरु चरणों कि आज ग्राम धाड़गांव में बड़ा ही प्यारा है दरबार, मैया रानी के दरबार में हो रही जय जयकार।
वो तरी छोड़ के वो तरी छोड़ के जाऊंगा न मैया जाऊंगा न मैया कभी तो नैया पार करोगी आइए भैया मुहूर्त के तौर पे आशीर्वाद परम सम्मानी सुरेश इरपाचे जी इनके कर कमलों से 21 रुपए का आशीर्वाद परम आदरणीय राजकुमार वरकड़े जी इनके कर कमलों से 11 रुपए का आशीर्वाद रामदी इरपाचे इनके कर कमलों से 21 रुपए का आशीर्वाद हीरालाल इरपाचे इनके कर कमलों से 51 रुपए का आशीर्वाद भगवान दास वरकड़े इनके कर कमलों से 21 रुपए का आशीर्वाद मंगल पांडे बासपुर इनके कर कमलों से 21 रुपए का आशीर्वाद मंडल गुरु से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद वो दर्री छोड़ के हमें हाँ दर्री छोड़ के जाऊंगा न मैया कभी तो नैया पार करोगे वो दरी छोड़ के जाऊंगा नैया कभी तो नैया पार करोगे जाऊंगा न मैया जाऊंगा न मैया कभी तो नैया पार करोगे वो तारी छोड़ के जाऊंगा न मैया कभी तो नैया पार करोगे वो तारी छोड़ के जाऊंगा न मैया कभी तो नैया पार करोगे लगन तुमसे लगावे था लगन तुमसे लगा देता जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा देता जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा देता जो होगा देखा जाएगा और माता रानी से कहना है क्या मैंने पल के झुके और न बनी हो जाए मस्तक झुके मेरा वंदन हो जाए ऐसी नजर कहाँ से लाऊं मेरी माता रानी आपको याद करूं आपका दीदार हो जाए और कहना है भैया कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती एक माँ बड़ी भोली होती है प्यारे एक माँ सबको प्यारी होती है बर्तन मांझ कर चार चार बेटे को पाल लेती है लेकिन मेरे प्यारे उन चारों बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती क्या कहना है जो भी
गलियों में आऊंगा मैं मैया। जय। आइए भैया चंद्र शब्दों में मानव चेतावनी। इस कलयुग रूपी संसार है, हमने जो भगवान से वादा किया था कि हे भगवान इस नरक में हम कब तलक रहेंगे, हमें बाहर कर दो। लेकिन प्यारे भगवान से हमने जो वादा किया था, इस भरे संसार में आते ही मोह माया में ऐसे बंद जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो कहना है मानो से क्या। इस टीम के पश्चात तैयार रहे नव ज्योति भजन मंडल तपाड़ा। नव ज्योति भजन मंडल तपाड़ा तैयार रहे। जय माता दी। राम नाम के आलसी भैया भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव का तो जीना है बे। क्या कहना है मानो से। दिन में अगर पियोगे तो रात में उतर जाएगी, जाएगी। हरि नाम का प्याला पीले बंद जिंदगी संवर जाएगी। कहना है भैया माया के जान में फंस कर क्यों होता मगरूर, एक दिन तेरे ख्वाब का हो जाए चकीना। कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद बिचारा क्या करे कि कहां तक दवा लगाए। ये मन खो गया माया में इसे रोकना था, ये मन खो गया माया में इसे रोकना था। अरे तेरी जिंदिया का क्या होगा जरा सोचना था, ये तेरी जिंदिया का क्या होगा जरा सोचना था। मन खो गया ओ, 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 मन खो गया माया में इसे रोकना था। और तेरी जिंदिया का क्या होगा जरा सोचना, जन्म की तूने कदर न जाने रे। परम सम्मानी हमारे संतोष पंद्राम जी, इनके आशीर्वाद से 21 रुपए का आशीर्वाद। राम भगश राम बालक विकेट, इनके कर कमलों से 21 रुपए का आशीर्वाद। परम सम्मानी हमारे वरकड़े जी राजकुमार भैया जी, इनके कर कमलों से 21 रुपए का आशीर्वाद। मंडल आशीर्वाद की कामना करती है। भगवान से हम तो क्या दे सकते भैया, भगवान से माता रानी से प्रार्थना करते कि मैया इनका दरबार हमेशा हमेशा ऐसे ही भरा रहेगा। क्या कहना है।
रामचरितमानस बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चौपाई है, आप सुनेंगे। हनुमंत लाल जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसे ऐसे कार्य सवार दिए, रावण की लंका में जाकर माता जानकी का पता लगाया, और हमारे पंच परमेश्वर के रूप में मंच पे आसीन हमारे दादाजी, इनके आशीर्वाद से, इनके कर कमलों से जो हमारे सुंदर सुंदर डांसर चारों के लिए 41 रुपए का आशीर्वाद प्रदान करते, मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। तो देखिए, जब लखन लाल को शक्तिवान लगी, लखन लाल को जब शक्तिवान लगी, हनुमंत लाल ने सजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण भैया के प्राण बचाए प्यारे। तो देखिए, भाई हो तो भरत जैसा, भक्त हो तो हनुमान, देख दशा निज भ्रात की बिलख रहे भगवान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल कुकुर सुधामा, परिणव रखो पर विमल जसो जो भाई पवन कुमार बलिभूति विद्या दे मोही हरहु करे सलिका। वो राम दूत अतु नित बलिदान, पुत्री पवन सुति नामा, अरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम। Jai Ram 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 Jai Ram
सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। कहना है भैया पंच परमेश्वर भगवान श्री राम, इनकी बात अलग है। आज त्रेता युग में, त्रेता युग की बात है, बड़े असुर अभिमान पाप हरण पृथ्वी पर जन्म लिए भगवान। चैत उजाली महीना तिथि है नवमी सार, माँ कौशल्या की गोद में जन्म लिए अवतार। आज देखिए जगत पिता की यही है कहानी भैया। एक समय की बात, रामचरितमानस के अंतर्गत मां शबरी अपने गुरु के कहे अनुसार अपनी कुटिया में भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन नहीं हुआ, तो माता शबरी अपनी कुटिया को सुंदर सुंदर फूल लाकर कि मेरे राम जी आएंगे, पूर्ण भरोसा के साथ मां शबरी श्री रामचंद्र जी महाराज का भजन करने लगी। देखिए क्या हुआ। राहनियारति थक गई अखिया देखती हो गई शाम, देखत देखत थक गई अखिया आए न मोरे सी। बरसों से रघुवर मुझको, बरसों से रघुवर मुझको तेरा इंतजार है, हाँ तेरा एतबार है, आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। रघुवर मुझको तेरा इंतजार है, परसों से रघुवर मुझको तेरा इंतजार है, परसों से रघुवर मुझको तेरा इंतजार है, आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है शबरी। क्या कहती है, रख कुल रीत सदा चल आई रघुवर सदा चल आए, रख कुल रीत सदा चल आए रघुवर सदा चल आए। और कहती है क्या, प्राण जाए वचन न जाई रघुवर वचन न जाई,
रजाई हो। अरे कब से निहारू तेरी क्या कहती है सबरी पुकारे मेरे राम। देखिए रह निहारती निहारती क्या कहती है। भगवान श्री रामचंद्र जी आज माँ शबरी की कुटिया में आ जाते हैं तो माँ क्या कहती है। मन भी आए मेरे आए कुटिया में मेरे रघु। आए है मेरे राम मेरे लगा करीब आइए। नवज्योति भजन मंडल तपाड़ा अपने साजबाज लेकर मंच के करीब आइए। भगवान श्री रामचंद्र जी साथ में छोटे भाई लक्ष्मण जी का माँ शबरी की कुटिया में आगमन हुआ। अब देखिए माता ने सुंदर सुंदर पेड़ तोड़ के लाई और प्रभु श्री रामचंद्र जी को चक चक करके गोर खिलाती है। लक्ष्मण जी को बड़ा ही गुस्सा आता है तो देखिए माँ शबरी मन ही मन ऐसे उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं। क्या हुआ
तो श्री राम की कृपा से। माँ शबरी क्या कहती है, जैसे प्रभु जी का उनकी कुटिया में आगमन हुआ, उनके चरण स्मरण करके बाद बेर चक चक के खिलाती है, क्या हुआ? तो श्री राम की कृपा से हमेरे भाग खुल गए, श्री राम की कृपा से मेरे भाग खुल गए।